हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। आज आंध्र प्रदेश का पोंदुरु गांव देश का इकलौता गांव बचा है, जहां महिलाएं कोंडा परुथी यानी कि हिल कॉटन से सूत बनाती हैं। सदियों पुराने ऐसे कई पारंपरिक हुनर आज मार्केट लिंक और फंड के अभाव से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मैं ये काम पिछले 40 सालों से कर रही हूँ। इससे होने वाली कमाई से ही हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन अब हम जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है, और अब हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करना चाहते। आज अपनी विरासतों के पुनर्जीवन के लिए भारत तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पन्थः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत सरकार एवं साबरमती संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट देश के हुनरमंद लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर। आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ऐतिहासिक गांधी आश्रम में पारंपरिक कौशल के धनी उद्यमियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा और दिया जाएगा इंडस्ट्री मेंटरिंग सपोर्ट एवं फंडिंग, जिससे अपने कौशल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे 40,000 परिवार लाभान्वित होंगे। पोंदुरु का कताई और बुनाई बहुत पुराने जमाने का है, ऐसा लग रहा था कि ये काम खत्म हो जाएगा। मोदी जी पोंदुरु के काम पर ध्यान दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे सोच के हम सब खुश है। इस मॉडल के अनुसरण से देश में अन्य कॉटन उत्पादकों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। इंक्यूबेटर्स के प्रयासों से ऊन उत्पादक चरवाहों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। विरासतों का होगा सम्मान, आत्मनिर्भर होगा हिंदुस्तान। जय हिंद।